तो ग्रो ऐप में अकाउंट कैसे बनाएं? आपने ग्रो ऐप का ऐड कहीं ना कहीं तो देखा होगा और आपके भी माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ग्रो ऐप कैसे काम करता है और इस ऐप पर अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपके भी माइंड में कुछ इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ग्रो ऐप पर डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाने वाले हैं कि ग्रो ऐप पर कोई भी व्यक्ति अपना आसानी से अकाउंट कैसे ओपन कर सकता है और डीमैट अकाउंट को ओपन करके आसानी से म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो ऐप में बस आप कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ग्रो ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप ग्रो ऐप को इंस्टॉल करेंगे। प्ले स्टोर में जाएगा, प्ले स्टोर से आपको ग्रो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आपने ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद में आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, अब आप अपना ग्रो ऐप को ओपन करेंगे। जैसे ग्रो ऐप में ओपन करेंगे उसके आपको रजिस्टर करने के लिए साइन अप का बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं जैसे आप अकाउंट ओपन हो जाएगा, जैसे ऐप आपका ओपन होता है प्ले स्टोर से, फिर यहाँ पे अकाउंट साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। आपका जो भी जीमेल आईडी है उससे आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना है। सेकेंड स्टेप होगा, आप जैसे आप साइन अप कर लेते हैं आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर इंटर करेंगे आपके पास एक ओटीपी कोड आएगा और उस ओटीपी कोड को यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। देन ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद पे आपको वेरीफाई नंबर पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, अब आपके पास पैन कार्ड की डिटेल को मांगा जाएगा, जो आप अपना पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपने अपना पैन कार्ड की डिटेल फिल कर देनी है और पैन नंबर डालने के बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे टिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अगला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होगी। आप सभी डिटेल को फिल कर अपने सिंपल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपके पास बैंक की डिटेल को फिल करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आप अपना बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे। जैसे ही आईएफएससी कोड डालेंगे सर्च पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। एंड अकाउंट की डिटेल आने के बाद अब आपको यहाँ पे करेक्शन करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करें और कंफर्म करें। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दोबारा से फिल कर देना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप अगले पेज पे आ जाएंगे। अब आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें और आगे बढ़ें। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करके आगे बढ़ जाना है। नवा स्टेप आएगा जो नाइन्थ स्टेप में, अब आपको अपने फेस को 5 सेकंड की वीडियो को अपलोड करना है, जिसे मोबाइल से बना कर अपलोड करें और आगे बढ़ें। दोस्तों जैसे मोबाइल पे अगला स्टेप आएगा, वहाँ पे आपको एक 5 सेकंड का वीडियो इस तरह से कैमरे में बन जाएगा। उसको आप रिकॉर्ड करेंगे कैमरे के मोबाइल से और उसको 5 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। देन आगे बढ़ना है। अब आप अपने पैन कार्ड का फोटो अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे अगला स्टेप आएगा, यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड की फोटो ले लेनी है। कैमरे से ले सकते हैं, अदरवाइज गैलरी में पड़ी हुई है, आप गैलरी फोन की गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट करके अपना फोटो अपलोड करने के बाद में अगला स्टेप में क्लिक करना है। अब आपको अपना एड्रेस को वेरीफाई करना है, जिसके लिए आप एड्रेस प्रूफ को सबमिट करें और सिंपल कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अब यहाँ पे दोस्तों एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना चाहते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उस
डॉक्यूमेंट पे आपका जो भी एड्रेस है करेक्टली आपको फिल कर देना है। वो सारा फिल करने के बाद जो है वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप वेरीफाई करके अपना एड्रेस वेरीफाई कर लेंगे। नहीं दोस्तों, आगे बढ़ने हैं आपको। अब आपको क्या करना है, केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। इसके लिए आप पैन कार्ड और एड्रेस डिटेल को आप अपने वेरीफाई करेंगे। आपके पास क्रॉस चेक करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, वहां पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और आप अपनी सारी डिटेल क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। सारी डिटेल अगर करेक्ट है तो आपको सिंपल आई एग्री पे क्लिक करना है। नीचे इस बटन पे सिंपल आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या आ जाएगा आपको, ये एड्रेस वेरीफाई आपको जैसे एग्री पे क्लिक करते हैं, अब आपको अपने हस्ताक्षर यानी साइन करने होंगे। इसको आप साइन के बटन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे यहाँ पे करेंगे, एक आपके मोबाइल पे साइन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने डिजिटल साइन बना सकते हैं। डिजिटल साइन बनाने के बाद में आपको जो भी साइन बनाते हैं, साइन पे क्लिक करना है। नीचे साइन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे और क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आप देख पाएंगे आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आपका अकाउंट अब आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करके दोस्तों आप महीने का 50 से 60,000 तक का कमा सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सिंपली बनाने के लिए हमने बनाया, आपको जानकारी के लिए कि को ऐप में अकाउंट कैसे ओपन करना है और अकाउंट ओपन करके आप आसानी से डीमैट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन बताना चाहूँगा, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले आपको सीखना है बहुत अच्छे तरीके से। ऐसी वीडियो देख के आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है। जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएं, उस कंपनी के बारे में, उस स्टॉक के बारे में थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप लॉस उठा सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।